जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। सूरत, आने वाली 25 सितंबर को होने वाली गुजरात माध्यमिक शिक्षण बोर्ड के इलेक्शन के उपलक्ष्य में माध्यमिक शिक्षक संघ और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ के 5 घटक संघ सूरत शहर, सूरत जिला, तापी, नर्मदा और भरूच के प्रमुख और कारोबारी पदाधिकारी की 16 सितंबर गुरुवार को गुजरात राज्य माध्यमिक शिक्षक महामंडल के प्रमुख श्री दिनेश भाई चौधरी और श्री सुरेश भाई पटेल की अगुवाई में एस पटेल कॉलेज कैंपस कोसंबा में सभा का आयोजन हुआ, जिसमें संघ के मान्य उम्मीदवार खंड 3 के अनुक्रम 1 श्री पटेल हसमुख भाई देवजी भाई, खंड 2 के श्री रावल जसवंत कुमार कांतिलाल और खंड -6 के श्री पटेल मुकेश भाई को जंगी बहुमती से जिताने का आवाहन किया। गुजरात राज्य माध्यमिक शिक्षक महामंडल के पूर्व प्रमुख श्री रमेश भाई पटेल, घटक संघ के पूर्व प्रमुख ने संघे शक्ति कलियुगे बात दोहराकर उम्मीदवार को जिताने की घोषणा की थी। सभा का आयोजन सूरत शहर उपप्रमुख श्री मनीष भाई पटेल ने किया था और उनको साथ सहकार सूरत शहर प्रमुख श्री रसिक भाई झांझमेरा और उपप्रमुख श्री यशवंत भाई देवरे ने दिया था। कैमरा मैन किशन गोस्वामी के साथ विशाल पाटिल, कैलाश ठाकरे की खास रिपोर्ट। आज કે આજે અમને એટલી બધી ફોર્મ લાગે છે, લગભગ મારો તમામ સ્ટાફને એવું લાગે કે અમે આ શાળાના ભૂતપૂર્વ શિક્ષકને નહીં પણ અમે અમારા પિતાને ગુમાવી દીધા છે। એટલે આજે પ્રફુલભાઈ પટેલ સાહેબથી આપ સૌ પરિચિત હશો જ, કારણ કે એટલું બધું કામ કર્યું છે એમને ગુજરાત રાજ્ય સુધી, અને જ્યારે મૃત્યુ પામ્યા ત્યારે આ કસાળી નગરપાલિકાના પ્રમુખ હતા। કોઈનો પણ ફોન આવે, અડધી રાતે ફોન આવે, 2-3 ઇંચ એક સમતો વરસાદ પડી ગયો, આખી કસાળી નગરપાલિકા તોડી કાઢે કે કઈ જગ્યાએ પાણી ભરાયું છે, ચાલો એ પાણીનો નિકાલ કરો। એટલે એમણે આ શાળાને અને આ નગરને એટલું બધું સાચવેલું અને